नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती जो 2019 में हुई थी, नोटिफिकेशन जिसका आया था, उसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, पर अब एग्ज़ाम फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2023 में शुरू कर दिए गए हैं। जिनने रेलवे ग्रुप डी 2022 में एग्ज़ाम दिए थे वे कैंडिडेट ध्यान दीजिए, कैसे करेंगे आप अप्लाई इसके लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का प्रोसेस बताते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उससे पहले मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाना चाहता हूँ ऑल जॉब केंद्र, जिसमें हम संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इस टाइप के जेन्युइन कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जिनने इसका फॉर्म भरा हो। तो चलिए अब हम चलते हैं, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ की, रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़, भारत सरकार रेल मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसका ये नोटिफिकेशन है। 13/4 को ये डेट में मेंशन किया गया था सेंट्रल CENRRC द्वारा, 1/2019 पे लेवल ग्रुप डी पोस्ट के लिए रिफंड ऑफ एग्ज़ाम फीस। ये देख सकते हैं आप, नोटिस निकला है और ये एक लिंक है जिसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड के लिए लिंक एक्टिवेट हो गया है। 14/4 से आज से 30/4 तक, 5 बजे तक, 14/4 10 बजे से 3/4, 3 अप्रैल 5 बजे तक। तो ये मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पर आ सकते हैं। और अब मैं नोटिस आपको पढ़वा दूं, इसमें नोटिस लिखा है, अटेंशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ CEN नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, अपडेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी इस फॉर्म के माध्यम से आवेदन करके। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव इनिशिएटेड रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस टू द कैंडिडेट हु हैड अटेंडेड CBT, जिनने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कंडक्ट हुए थे वो दिए थे 17/8/2022 से 11/10/2022 के बीच में, फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट CEN नंबर RRC 2019 में बैंक अकाउंट डिटेल वर टेकन उनके लिए ली जा रही हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिफंड। हाउ एवर एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड 4 ईयर बैक, 4 साल पहले की बात है ये, एंड इन द इंटरवेनिंग पीरियड लॉट ऑफ चेंजेस माइट हैव बीन ऑकर्ड हुए हैं इन द अकाउंट डिटेल ऑफ द कैंडिडेट। आल्सो इट इज़ ऑब्जर्व बाय द बैंक वाइल स्क्रूटिंग अकाउंट डिटेल दैट लार्ज नंबर ऑफ पेमेंट वर मेड फ्रॉम द सेम अकाउंट नंबर फर्दर ड्यू टू मर्जिंग ऑफ वेरियस बैंक देयर IFSC कोड्स हैव बीन चेंज्ड एंड इट इज़ नेसेसरी टू रिकन्फर्म एंड टेक रिफ्रेश डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट इफ रिक्वायर्ड सो दैट रिफंड इज मेड इन द करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द कैंडिडेचर। ये दोबारा से आपसे मांगे जा रहे हैं जिससे सही बैंक में आपके पैसे पहुँच जाए। इन ऑर्डर टू फैसिलिट द कैंडिडेट टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल RRB हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है फॉर प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट डिटेल। अकॉर्डिंगली एन अपडेट बैंक अकाउंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB विच विल बी लाइव फ्रॉम 14 अप्रैल 2023 10 बजे से सुबह अभी से 30 अप्रैल 2023 5 बजे तक शाम के। कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक यूज ऑफ दिस वन टाइम अपॉर्चुनिटी, मिल रही है आपको, उसका यूज करें जो इस का पेपर जिनने दिया था, टू अपडेट देयर बैंक अकाउंट डिटेल इफ देयर इज एनी चेंज, अगर उनका कोई चेंज हुआ है अकाउंट में तो। और कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड एंटर्ड आर करेक्ट एंड एडवाइज टू केयरफुली चेक बैंक अकाउंट डिटेल एंड IFSC कोड बिफोर सबमिटिंग द सेम। इट मे बी नोटेड दैट मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक डिटेल आफ्टर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल। RRB शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर फर्दर फेलियर ऑफ रिफंड इफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट।
अगर कैंडिडेट के द्वारा कोई भी गलत जानकारी दी जाती है तो आरआरबी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी एंड विल नॉट एंटरटेन फर्दर करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड। द सेम अपडेट बैंक डिटेल विल बी आल्सो बी यूज इन फर्दर फ्यूचर फॉर रिफंडिंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस पेड बाय दोज कैंडिडेट हु रेज्ड ऑब्जेक्शन फॉर क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस वर फाउंड करेक्ट आफ्टर अ रिव्यू ऑफ ऑब्जेक्शन इन टर्म्स ऑफ आरआरबी नोटिस डेटेड 13/10/2022। अब नोट में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल 30 अप्रैल 2023 शाम के 5 बजे तक। रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक चार्जेस, बैंक रिफंड होगा बैंक डिडक्शन के चार्जेस के बाद, मतलब जितनी आपकी फीस लगी थी उसमें से कुछ कट के आपको चार्जेस मिल जाएंगे आपके बैंक अकाउंट डिटेल में। विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेचर पार्टिकुलर्स विद द आरआरबी रिकॉर्ड। इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एंड लेट क्लेम विल बी समरलाइज रिजेक्टेडली। इस तारीख के बाद आपका कोई भी उसमें हम समरली क्लेम नहीं ले पाएंगे। ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। अगर आपके भाई बहन ने अगर एक ही अकाउंट उस वक्त भरा था, फीस पेमेंट करी थी, पर अब आपको एक अकाउंट नहीं देना है, अलग अलग अकाउंट देना है, तो ये इसमें लिखा है, वन हेल्प डेस्क मेनू विल बी प्रोवाइडेड टू गेट एनी क्लेरिफिकेशन और हेल्प इन केस ऑफ एनी ट्रबल वाइल सबमिटिंग द बैंक डिटेल्स। एक हेल्प डेस्क मेनू विल बी प्रोवाइड बनाई गई है टू गेट एनी क्लेरिफिकेशन और हेल्प इन केस ऑफ एनी ट्रबल वाइल सबमिटिंग द बैंक डिटेल्स एंड फॉरगेट रजिस्ट्रेशन मेनू विल आल्सो बी अवेलेबल बनाया गया है फॉर गेटिंग मिसिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे खो गया है, मिसिंग हो गया है, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज दैट दे शुड कीप व्यूइंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी रेगुलरली। आप आरआरबी की वेबसाइट देखें फॉर फर्दर अपडेट नोटिस के लिए। तो आप भी देखते रहें और मैं भी देखता रहूँगा, और कोई भी जैसे भी सूचना मिलती है इससे रिगार्डिंग तो मैं आपको सूचित करूँगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जिससे भी मैं वीडियो बनाऊँगा आपको जानकारी मिल जाए। अब इसमें क्लिक हेयर टू अपडेट बैंक डिटेल फॉर रिफंड के लिए पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन होता है जो लॉगिन फॉर्म है, जिसमें आपको लास्ट डेट बताई जा रही है। जैसे मैंने नोटिफिकेशन में बता दी, 30 अप्रैल 2023 है, आज 14 हो गई है, 14 से 30 अप्रैल तक का समय दिया है इनने, शाम के 5 बजे तक। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी पंजीयन संख्या डालनी है आपको, लॉगिन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है कैलेंडर के माध्यम से चुन के, यहाँ अपनी DDMMYY करके, और सिक्योरिटी कैप्चा कोड ये जो आ रहा है आपका वो यहाँ पर डाल के सबमिट करना है, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा और बैंक अकाउंट डिटेल अपनी आप डाल सकते हैं। और अगर फॉरगेट कर चुके हैं यहाँ, तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर लें। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने भरा था, वो सारी यहाँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आ रही है, वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नेम डालें अपना, डेट ऑफ बर्थ डालें DDMMYY के फॉर्मेट में, ईमेल, मोबाइल, आधार नंबर जो भी है आप पे, एक चीज़ उनमें, इन तीनों में से एक चीज़ डालें, सिक्योरिटी कैप्चा कोड डाल के सबमिट करें, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ जाएगी। तो आप फिर इस होम पे आ जाएंगे और ये लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, अपना सिक्योरिटी कैप्चा कोड डाल के, आप अपना पेमेंट की डिटेल डाल के आवेदन कर सकते हैं बैंक में, बैंक की डिटेल डाल के आवेदन कर सकते हैं एग्ज़ाम फीस रिफंड के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये नोटिफिकेशन भी बता दिया और ये अप्लाई का प्रोसेस भी बता दिया। तो जिन मेरे स्टूडेंट्स का फीस रिफंड चाहिए, जिनको, जिनने एग्ज़ाम दिया था, तो वो आवेदन कर दें जल्दी से जल्दी। तो ये इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी मिली हो, हेल्पफुल लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली और भी वीडियोस की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए डेली बेसिस पे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, रेलवे ग्रुप डी भर्ती जो 2019 में निकली थी और एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट हुआ था, उसकी एग्ज़ाम फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2023 शुरू हो गए हैं। तो कैसे करेंगे आप अप्लाई रेलवे ग्रुप डी 2022 के
22 में जिनने एग्ज़ाम दिया था वह ध्यान दीजिए, तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। और अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।